व्हाट्सएप का चाल चाल मैं हो रही है। तो आप देख रहे जेटेक्स के हमारे यूट्यूब चैनल का आज के इस वाले हम लोग बात करने वाले गाइस में फ्री फायर गाइस भाई बेस्ट सेंसिटिविटी फॉर हेडशॉट, यानी कि गाइस अभी के टाइम में गाइस कौन बंदा भाई हेडशॉट मारना नहीं चाहता कि जिसको देखो भाई सभी बंदे को वन टैप मारना या हेडशॉट मारना है। तो गाइस अगर आपसे भी गाइस वन टैप या हेडशॉट गाइस नहीं लगता है तो गाइस भाई ये वीडियो गाइस आप ही के लिए गाइस होने वाला है। इसमें गाइस मैं बेस्ट सेंसिटिविटी गाइस बताऊंगा जिससे गाइस भाई आप इजी तरीके से वन टैप या हेडशॉट गाइस मार सकते हो बहुत ही इजीली। और गाइस मैं आपको भाई लाइफ रूप गाइस चेक करके दिखाऊंगा, यानी कि मैं सेंसिटिविटी सेटिंग भी गाइस बताऊंगा। साथ ही साथ गाइस भाई आपको भाई एक छोटा सा गाइस ट्रिक बताऊंगा जिससे भाई आप इजी तरीके से वन टैप मार सकते हो। एंड गाइस लाइफ प्रूफ गाइस भी आप सभी को बताऊंगा, तो बिल्कुल भी टेंशन मत लो। एंड साथ ही साथ गाइस अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से गाइस मैं लाइक वाले बटन पे गाइस क्लिक कर दो। इस वीडियो का लाइक किया गया ऑनली 300 लाइक्स का, आई होप आप लोग कंप्लीट करा दोगे। अगर आप चैनल पर न्यू आते हो चैनल को सब्सक्राइब और कर देना, घंटी वाले ऑप्शन पे क्लिक करके ऑल पे जरूर से सेट कर दीजिएगा, इससे मैं जब भी वीडियो अपलोड करूंगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा। एंड गाइस भाई जितने बंदे देख रहे हो फटाफट से भाई कमेंट करके बताओ भाई लाइव स्ट्रीम के अंदर भाई अपने को क्या करना चाहिए, यानी कि लाइव स्ट्रीम के अंदर डायमंड का गिव अवे करना चाहिए या गाइस फंड कस्टम कराना चाहिए या गाइस भाई टीम कोड के रैंकेड गेम खेलना चाहिए। तो गाइस फटाफट से भाई कमेंट करके बताओ, तीन ऑप्शन आपके पास है। तो चलो गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना के तरन वगैरह के। तो गाइस भाई अभी के टाइम में गाइस हेडशॉट मारना लिटरली गाइस भाई बहुत हार्ड है, बट गाइस भाई आप इसको इजी कर सकते हो। तो सिंपल आपको सेटिंग वाले गाइस ऑप्शन पे सिंपल आपको गाइस क्लिक करना है, ऊपर साइड गाइस देखने को मिलेगा सेटिंग वाला ऑप्शन, सिंपल गाइस पे क्लिक करो। तो गाइस क्लिक करने के बाद सिंपल गाइस भी आपको सेंसिटिविटी गाइस देखने को मिलेगा, सिंपल उस पे क्लिक करना है। एंड गाइस भाई अभी मैंने डिफॉल्ट सेंसिटिविटी गाइस करके रखा है, जो गाइस जो बंदा न्यू भाई गेम खेलने के लिए आता है तो गाइस भाई यही सेंसिटिविटी गाइस आपको देखने को मिलेगा। तो गाइस सबसे नीचे में आपको फ्री लुक गाइस देखने को मिलेगा, जो कि भाई आपके ऊपर डिपेंड है जितना मर के जितना रख सकते हो। एंड साथ ही साथ आपको स्नाइपर स्कोप 4x एंड 2x स्कोप गाइस देखने को मिलेगा। तो इसमें जब भी आप स्कोप खोल के किसी बंदे से फाइट करते हो तो गाइस भाई सिंपल गाइस ये उसी का सेंसिटिविटी है। एंड साथ ही साथ जो गाइस मेन सेंसिटिविटी है गाइस वो है भाई जनरल एंड रेड डॉट। गाइस भाई जनरल तो गाइस भाई आप सभी को पता है जनरल सेंसिटिविटी गाइस होता क्या है, यानी कि गाइस भाई जब भी आप गेम खेलते हो एंड गाइस जो आपका गाइस मूवमेंट होता है जब भी आप स्क्रीन को भाई रोटेट करते हो तो गाइस भाई वो आपका जनरल सेंसिटिविटी की वजह से ही गाइस भाई आपका स्क्रीन जो फास्ट रोटेट होता है या स्लो रोटेट होता है। जनरल को भाई आप हमेशा यार कम से कम 60+ गाइस रखोगे तभी गाइस थोड़ा सा मूवमेंट गाइस आपका फास्ट होगा, यानी कि थोड़ा सा गाइस प्रो लेवल का जब आपका मूवमेंट गाइस हो जाएगा। एंड गाइस बहुत बंदे गाइस ऐसे होते हैं भाई जनरल को भाई पूरा 100 करते हैं उसके बाद गाइस भाई डीपीआई सेटिंग को ऑन कर देते हैं, इससे गाइस और ज्यादा भाई सेंसिटिविटी गाइस हो जाता है। बट गाइस मैं अपना जनरल सेंसिटिविटी को सिंपल गाइस मैं 97 रखता हूं, क्योंकि 97 गाइस भी बेटरली गाइस बेस्ट सेंसिटिविटी है। एंड गाइस भी आप अपने हिसाब से रख सकते हो, बट गाइस भी आप 60+ रखना गाइस ज्यादा बेटर होगा आपके लिए। हां तो भैया हम लोग यहां पे जनरल का भी बात कर लिए, फ्री लुक एंड स्कोप वगैरह का सेंसिटिविटी के बारे में बात कर लिए। जो गाइस अपना मेन है गाइस वो है रेड डॉट सेंसिटिविटी, जिससे भाई आपको पट पट से हेडशॉट मारना है। अभी मजा आएगा ना गाइस। गाइस मैं भी भाई एक टाइम पे नुबड़ा था, तब मैं यार 55 रेड डॉट वाले गेम खेलता था। एंड गाइस कभी भी मैं 60+ रेड डॉट नहीं करता था, एंड उस टाइम मेरा भाई हेडशॉट लिटरली गाइस भाई ना के बराबर लगते थे, और गलती से भी गाइस रेड गाइस गलती से भी हेडशॉट लग जाए तो गाइस पूरे मोहल्ले में मिठाई बढ़ता था उस टाइम। फिर मैंने गाइस भाई ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर गाइस गया, एंड उसके बाद गाइस भाई गलती से भाई मेरा रेड डॉट भाई 100 हो गया। एंड उसके बाद जो गाइस भाई हेडशॉट लगना स्टार्ट हुआ, यानी कि भाई गलती से 100 हुआ था लेकिन हेडशॉट रियल लगते थे। तो गाइस उसके बाद से मैंने भाई रेड डॉट को भाई 100 पे गाइस चिपका दिया फेविक्विक से, एंड उसके बाद उसको नीचे तक नहीं आने दिया। एंड गाइस भाई आप भी सिंपल क्या करो भाई, एक बार अपने रेड डॉट को 100 करो, एंड उसके बाद सिंपल भी आपको कंट्रोल वाला सेटिंग में गाइस आना है। उसके बाद गाइस भी आपका गाइस पेट वाला गाइस ऑप्शन होता है, पेट वाले ऑप्शन को सिंपल जो गाइस भाई आपका सर्कल होता है, यानी कि जो गाइस एम आपका गाइस होता है उसके गाइस सेंटर पे गाइस भाई आपको सिंपल उस पेट वाले आइकन को भाई उसके सेंटर पे गाइस डालना है। एंड उसका गाइस साइज है गाइस इसको 10% कर देना है कि सबसे छोटा गाइस इसको गाइस साइज कर देना है। एंड साइज छोटा करने के बाद सिंपल भाई यहाँ से सेव कर देना, सेव करने के बाद सिंपल गाइस भी आपको बैक करना है। सो गाइस आई होप भाई सारे सेटिंग गाइस भी आप अच्छे तरीके से गाइस कर लिए होंगे। सिंपल गाइस सेटिंग कंप्लीट करने के बाद सिंपल गाइस भी आपको ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर आ जाना है। गाइस भी कहीं भी आप ट्राई कर सकते हो इसको। गाइस सबसे पहले गाइस भाई 2 शॉट्स से गाइस आपको ट्राई करना है हेडशॉट मारने का। तो गाइस भाई वन टैप या हेडशॉट मारने के लिए गाइस ज्यादा डिपेंड भी करता है भाई आपका जो गाइस एम होता है, यानी कि आपका गाइस रेड डॉट गाइस होता है भाई बहुत ज्यादा डिपेंड करता है भाई वन टैप मारने या हेडशॉट मारने के लिए। तो गाइस किसी बंदे को भाई देखते हो गाइस भाई आपका जो गाइस एम होता है, जो गाइस भाई आपका एम है भाई एम बहुत बंदे गाइस होता क्या है भाई ये एम नीचे के साइड रहता है, यानी कि भाई बंदे क्या करते हैं भाई नीचे के साइड एम कर लेते हैं एंड गाइस भी ऐसे दौड़ते हैं या ऐसे कभी-कभी रन करते हैं। बट गाइस ये हमेशा गलत होता है, आपको हमेशा जब भी गाइस आप रन करो या जब भी किसी पे फायर करो तो भाई आपका गाइस एम होता है हमेशा भाई आपके सिर के सामने होना चाहिए, गाइस भाई सिर से हल्का सा ऊपर होना चाहिए, इससे गाइस भाई ज्यादा चांस रहता है भाई वन टैप लगने का। तो गाइस भाई हम लोग बात करते हैं गाइस भाई जब भी आप 2 शॉट्स से यानी कि छोटे मोटे से गाइस जब भी आप हेडशॉट मारने के लिए जाओ तो भाई आपको भाई वहां पे क्या-क्या गाइस करना चाहिए जिससे भाई
उसका परफेक्ट हेडशॉट लग सके। सो गाइस जब भी भाई आप दो गोले वाले शॉटगन से हेडशॉट मारने के लिए गाइस कभी भी जा रहे हो तो गाइस भाई आप हमेशा एक बात याद रखना गाइस, आप में और जो गाइस भाई सामने वाला गाइस एनिमी है गाइस भाई उसमें गाइस थोड़ा सा डिस्टेंस गाइस होना जरूरी है। जैसे की मान लो गाइस भाई मेरे में और गाइस एनिमी देखो थोड़ा सा डिस्टेंस है तभी गाइस भाई यहां पे भाई परफेक्ट हेडशॉट लग जाएगा। अगर गाइस डिस्टेंस नहीं रहता तो भाई यहां पे हेडशॉट वगैरह नहीं लगता। इससे गाइस भाई होता क्या है, मैटर बहुत ज्यादा करता है डिस्टेंस, साथ ही साथ गाइस भाई आपको और एंड गाइस जब भी भाई आप ड्रैग करो तो गाइस भाई आप हमेशा एक बात याद रखना भाई आपका जो गाइस एम होना चाहिए गाइस भाई आपके फेस टू फेस होना चाहिए, गाइस फेस से हल्का सा ऊपर होना चाहिए। इससे गाइस भाई जब भी आप यार मारोगे तो डायरेक्ट हेडशॉट ही लगेगा, बॉडी वगैरह गाइस बहुत ही कम लगता है। एंड सेकंड चीज गाइस भाई जब भी आप हेडशॉट मारने के लिए जाओ तो भाई आप ऐसे टाइम पे गाइस फायर करो जब भाई बंदा आपको पिक दे, यानी कि पिक का मतलब होता ये है जिस टाइम गाइस आप फायर करते हो उसी टाइम गाइस बंदा आपके सामने जंप करके आ जाएगा। गाइस आपके सामने में ही जंप करे तो गाइस उसे परफेक्ट हेडशॉट लगता है। जैसे गाइस मान लो भाई अभी मैं फायर करने वाला हूं एंड सामने से गाइस बंदा जंप करके आ गया मेरे पास, यानी गाइस फायर करने के लिए आप बिल्कुल रेडी हो एंड सामने से गाइस बंदा भाई आपके एम के अंदर ही अपना मुंडे घुसा दे तो इसे गाइस परफेक्ट रेड नंबर गाइस बोलते हैं जो कि भाई अभी लगा। तो गाइस भाई आपको भी ऐसे ही इंतजार करना है कि जब भी आप फायर करने के लिए जाओ तो गाइस बंदा आपके सामने से गाइस भाई जंप करे या गाइस भाई आपके पास में आके जंप वगैरह करे तो गाइस भाई इसे परफेक्ट हेडशॉट लग सकता है। लेकिन बट यहां पे गाइस सामने वाला बंदा को भाई कौन जान सकता है, वो जरूरी नहीं कि भाई आपके सामने आके जंप करे या कुछ भी करे, तो भाई उस टाइम भाई आपको खुद पिक बनाना पड़ेगा मारने के लिए। तो गाइस आई होप आपको समझ में गाइस आया होगा। तो गाइस डिजिट के साथ वन टैप यहां पे एंड साथ ही साथ गाइस भाई इस वीडियो का वन टैप यही पे खत्म होता है। एंड गाइस भाई और भी टिप्स एंड ट्रिक गाइस मैं डालूं तो कमेंट करके जरूर से बताइएगा। एंड गाइस ये वीडियो यही तक था, तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय 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 बाय।